चलिए रुक करेंगे अब अगली खबर का। राजस्थान के मारवाड़ तहसील के गोड़ा प्रेम सिंह गांव में एक परिवार बार बार आग लगने की घटना से परेशान है। परिजनों का कहना है कि उनकी परेशानी तब और बढ़ जाती है जब इस आग लगने की घटना का आभास उनके घर की बच्ची को पहले से ही हो जाता है, जिससे वो ज्यादा परेशान है। हालांकि मामला प्रशासन के पास है और मामले की जांच हो रही है। क्या किसी घटना का आभास पहले ही हो सकता है? हर कोई इसे नहीं कहेगा, लेकिन राजस्थान के मारवाड़ तहसील के प्रेम सिंह गांव के लोग उलझन में हैं। गांव के लोगों का दावा है कि एक परिवार की बच्ची को इसका आभास पहले से ही हो जाता है। दरअसल बीते डेढ़ महीने में बच्ची के घर में कई जगहों पर आग लगी, जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ। और अब घर वाले ये दावा कर रहे हैं कि इस बच्ची ने इन घटनाओं के बारे में पहले ही बता दिया था। आग लगती है और दिखती है तब कहती हूँ तो बड़ी हो जाती है और सब बुझाने जाते हैं और अजीब अजीब से सपने आते हैं और डर भी लगता है। कोई अजीब अजीब सपने आते हैं, कोई बोलते हैं मार डालूंगी, कोई बोलते हैं गला दबा के मार डालूंगी और कोई बोलते हैं पूरा घर जला दूंगी, ऐसे सब बोलते हैं सपने में। बच्ची के दादा के मुताबिक बीते महीने 1 नवंबर को पहली बार मोनिका को आभास हुआ कि उनके घर के बाड़े में आग लग गई। परिवार वालों को विश्वास नहीं हुआ। जब आग की लपटें उठने लगी तो घर वालों ने किसी तरह आग बुझाई। इसके बाद आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि अब प्रशासन से संपर्क भी किया गया है कि कहीं इसके पीछे कोई शरारत या साजिश तो नहीं है। इस समय परिवार भी पुलिस के समक्ष पेश हुआ है, तो इसकी विस्तार से जांच करवाएंगे कि क्या कारण आग लगने का, उसके बाद में ही ठोस रूप से कुछ कहा जा सकता है। उधर इस घटना से गांव में दहशत का भी माहौल है। हालांकि ज्यादातर लोगों को अभी भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन सच जानने की हसरत सभी के मन में है। पाली राजस्थान से रोहित सवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।